हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टावर ऑफ हनोई का मतलब कॉन्सेप्ट। ये भी रिकर्शन के अंडर ही आता है, अंडर स्टैक यूज, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में। हर बार ये क्वेश्चन में आता है, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर थ्योरेटिकल सेमेस्टर हो, और बच्चे इसमें बहुत सारे गलतियां करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कैसे। तो मान लीजिए तीन टावर हैं, यहाँ पे तीन टावर फिक्स्डली लिए जाते हैं, जैसे लेवल है 1, 2, 3, एंड एन इज द नंबर ऑफ डिस्क विथ डिक्रीजिंग साइज प्लेस्ड ऑन टावर 1। तो तीन टावर हैं और फर्स्ट टावर में कुछ नंबर ऑफ डिस्क अरेंज हैं, जहां पे मतलब बड़ा से छोटा करके डिस्क है, ठीक है। बड़ा वाला पूरा नीचे है, उससे छोटा वाला उससे ऊपर, सबसे छोटा वाला टॉप में है। तो द एम ऑफ द गेम इज टू मूव ऑल द डिस्क फ्रॉम टावर 1 टू टावर 3 यूजिंग टावर 2 एज एन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट टावर से थर्ड टावर तक सारा डिस्क मूव करना है यूजिंग द सेकेंड वन एज द इंटरमीडिएट। लेकिन उसमें दो रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? एट ए टाइम ओनली वन डिस्क कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन टावर टू अनदर। एक टाइम में बस एक ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ओनली द टॉप मोस्ट डिस्क ऑफ एनी टावर मे बी रिमूव्ड टू एनी अदर टावर, ओनली टॉप मोस्ट डिस्क, ठीक है। और सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब बड़ा डिस्क छोटे डिस्क के ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा बड़े के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है टावर ऑफ हनोई का। यहाँ पे तीन आपका बार है, 1, 2, 3, तीन मतलब जो क्या बोलते हैं टावर है, और फर्स्ट टावर में पांच, एन इक्वल टू फाइव के लिए लिए हैं, पांच डिस्क है, 1, 2, 3, 4, 5, ये टावर का ही पोर्शन है। तो बड़ा से छोटा अरेंज है। तो हमारा मेन एम क्या है कि ये सारे डिस्क को जैसे है वैसे ही इसको हम लोग को थर्ड पे रखना है, ठीक है, थर्ड पे रखना है यूजिंग सेकेंड एज द इंटरमीडिएट। लेकिन जैसे छोटा बड़े के ऊपर है, बड़ा छोटे के ऊपर हम लोग नहीं प्लेस कर सकते हैं, और एट ए टाइम ओनली वन प्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस लिखूंगी, उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई डिनोट्स द इंस्ट्रक्शन मूव टॉप डिस्क फ्रॉम टावर एक्स टू वाई, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स टू वाई है, तो मूव डिस्क फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, ये एक कंडीशन है। फिर वेयर एक्स वाई मे बी एनी ऑफ द थ्री टावर, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तो गिवन टावर दिया हुआ है, पर ये तो पांच के लिए है, मैं तीन के लिए लेके करूंगी क्योंकि पांच से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे और एक टावर ऑफ एनोई वाला क्वेश्चन है, तीन टावर है मेरे पास, 3, 2, 1, और इसमें तीन डिस्क है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये तीनों डिस्क को मुझे लाना है थर्ड में इसी तरह से अरेंज करके यूजिंग द सेकेंड वन। तो ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले मैं फिर से ड्रॉ करूंगी उसको। तो मान लीजिए इनिशियल पहले हम लोग लेते हैं, तो इनिशियल में क्या था हमारे पास, ये तीन टावर है, जहां पे बस फर्स्ट टावर में आपके तीन डिस्क हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशियल ये तो हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को मूव करना है एक के बाद एक डिस्क। तो डायरेक्टली तो हम लोग नहीं मूव कर सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला डिस्क है उसको लास्ट में ले आएंगे। तो लास्ट में हम लोग लेके आएंगे तो क्या होगा, क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो पहले सबसे छोटा वाला डिस्क यहाँ पे रखते हैं और बाकी जो दोनों डिस्क है वो यहीं पे रहेगा। तो 1, 2, 3 मतलब टॉप मोस्ट डिस्क ऑफ 1 इज मूव टू 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं, उसी तरह तीन टावर हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा वाला डिस्क है, और ये डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ।
यहाँ पे सबसे बड़ा वाला डिस्क है वो, और मिडल वाला मैंने यहाँ पे रख दिया, और छोटा वाला हम लोग यहीं पे शिफ्ट कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा सेकेंड, 1 to 2, 1 to 2 में शिफ्ट किए, 1 का जो टॉप था वो आ गया 2 में। अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम मतलब टावर्स लेके, ये जैसे मूव हो रहा है ना, ये उसी तरह हर एक क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ पे वो बिगेस्ट वाला तो है ही है, यहाँ पे हम लोग ये जो छोटा वाला है इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 to 2। अभी देखिए ये मतलब यहाँ पे 3 था, ये छोटा वाला गया लास्ट में, ये 1 2 3 है हर जगह, 1 2 3। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो थोड़ा मिडल वाला था वो आ गया सेकंड में, फिर तीनों में एक एक प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस छोटा बड़ा के ऊपर रह सकता है, तो अगर हम लोग अकॉर्डिंगली अरेंज करें तो ये वाला बीच में ला सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया करेक्ट। उसके बाद हम लोग फोर्थ में क्या कर सकते हैं, ये तो बीच में हो गया, ये बड़ा को लास्ट में ला सकते हैं ये डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है ना इसको मतलब थर्ड में लेके आएंगे, ये फोर्थ में क्या हुआ, 1 2 3। ठीक है, और ये बीच में हमारा बाकी दो मिडल का रह जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सेम तीनों ड्रॉ करेंगे टावर्स, फिर 1 2 3 है, फिर ये जो बीच वाला है इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला था, यहाँ पे मिडिल है, यहाँ पे छोटा है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 2 to 3 में, सॉरी 2 to 1 में शिफ्ट कर दिया, छोटा वाला यहाँ पे लेके आ गए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि बड़ा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसको अभी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे बड़ा वाला है तो बड़ा वाला के ऊपर मिडिल वाला रख सकते हैं, यहाँ पे छोटा वाला ऑलरेडी है। तो ये कौन सा स्टेप होगा, ये होगा हमारा 2 to 3। ठीक है, ये मिडिल वाला ले गए, और लास्ट में हम लोग वही सेम करेंगे, जैसे तीनों टावर हैं, 1 2 3, तो सबसे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला। तो ये कैसे हुआ, ये हो गया 1 2 3 में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, इसमें सारा अरेंज था लेकिन लास्ट में इस पे अरेंज हो गया। तो कैसे हुआ, पहले तीनों को एक एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर बीच में, फिर लास्ट में जो सिंगल वाला था लास्ट में मूव किए, फिर से यहाँ पे जैसे अरेंज किए थे उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर छोटा मिडल वाला यहाँ पे लास्ट में लेके आए, छोटा वाला लास्ट में लेके आए। तो इसी तरह टावर ऑफ हनोई का प्रॉब्लम सॉल्व होता है।